कोतवाली पुलिस ने पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में वांछित अभियुक्त के घर पर डुगडुगी बजाकर नोटिस चस्पा किया है, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने छोटे काजीपुर माली टोला निवासी मोहम्मद सैफ शेख, फरहान शेख पुत्र जमीर अहमद तथा रेहान साहिल मोहसिन शेख, शाहरुख शेख पुत्र समीर अहमद मुकदमे में वांछित चल रहे थे, जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया जा चुका है, लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद अपने आप को छुपाए हुए हैं, जिसको देखते हुए न्यायालय द्वारा 82 की कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अभियुक्तों के घर पर कुर्की का नोटिस डुगडुगी बजाकर चस्पा कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह ने कहा, और आप सभी को अवगत कराना है, आपके मोहल्ले के रहने वाले, आपके ही मोहल्ले के रहने वाले अपराधी सैफ शेख, फरहान शेख, इनके पिताजी का नाम समीर अहमद, निवासी छोटे काजीपुर माली टोला थाना कोतवाली गोरखपुर, अपराध करके फरार चल रहे हैं। खानदान परिवार के रेहान शाहरुख मोहसिन सैम साहिल सैद पुत्रगढ़ समीर अहमद निवासीगढ़ छोटे काजीपुर मोहल्ला माली टोला थाना कोतवाली गोरखपुर का वारंट भी लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये लोग न तो आत्मसमर्पण किए हैं और न ही हाजिर होना हैं और बम बम ऐसी घटना कांड कर रहे हैं। सभी लोग अवगत होंगे। थाना कोतवाली नगर पे मुकदमा पर संख्या 72/21 धारा 147 23 54 56 354 366 IPC और 7/8 पास्को एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त सैफ, फरहान, रेहान आज जो थे 6 नफर, ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, माननीय न्यायालय से MBW भी प्राप्त किया गया था, किंतु ये गिरफ्तार न तो गिरफ्तार ही हो पाए, न ही ये हाजिर अदालत हुए। माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध 82 की कार्रवाई ली गई थी, उसी के तहत आज उनके घर पर नोटिस चस्पा की गई है और मुनादी कराई गई है।